राष्ट्रीय मतदाता दिवस शुक्रवार को गोरखपुर में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर 39 स्कूलों के 3000 से अधिक छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को मतदाता बनने के लिए न केवल प्रेरित किया बल्कि मतदान करने की अपील भी की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कमिश्नर अमित गुप्ता रहे। इस कार्यक्रम में पेडलेगंज से राम गड़ताल झील सर्किट हाउस रोड पर आयोजित हुआ, जिसमें 39 स्कूलों के 3000 छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाई। मानव श्रृंखला का निरीक्षण कमिश्नर अमित गुप्ता, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने किया। उसके बाद राम गड़ताल झील की जेट्टी पर बनाए गए मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। इन कार्यक्रमों में मतदाता बनने और मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। छात्रों द्वारा यहां नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, समूह गान समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में कमिश्नर अमित गुप्ता द्वारा मतदाताओं को शपथ दिलाई गई। उन्होंने ये शपथ ली, हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्य रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कमिश्नर अमित गुप्ता ने कहा, खुद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो, देश प्रेमियों। सभी विद्यालय के विद्यार्थी और उनके आचार्य जन बेटा। आपके क्षेत्र क्षेत्र में कार्यक्रम है।
इस कार्यक्रम स्थल पर शीघ्र यहाँ पहुँच रहे हैं। आप सभी लोग स्नान ले गए, बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए। चाहे रहिया दिल्ली बॉम्बे चाहे सिंगापुर, चाहे रहिया दिल्ली बॉम्बे चाहे सिंगापुर, जरूर आइहा जरूर आइहा, अभी वोट डाले गोवा में जरूर आइहा। सभी लोग बैठ जाइए। अतिथि महोदय आपके इस कार्यक्रम स्थल पर पधार चुके हैं। एक बार बंद हुआ है, उनके करना पड़ेगा। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। मुख्य अतिथि महोदय अभी चंद मिनट में मंच पर उपस्थित हो रहे हैं। मंच पर आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोरखपुर के मंडलायुक्त हैं। आप सभी लोग एक स्थान बैठ जाए अपने स्थान पर। कार्यक्रम एक ही साथ हो जाएगा। इस मंडल के मंडलायुक्त महोदय, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, हमारे अन्य सभी एडीएम साहबान, अन्य जिले के जिलाधिकारी अपर जिलाधिकारी साहबान, आज बैच लगाकर आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध है कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय का बैच लगा करके स्वागत करेंगे। तहसीलदार महोदय से अनुरोध है कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महोदय का बैच लगा करके स्वागत करें। सभी प्रशासनिक अधिकारियों का बैच लगा करके स्वागत करेंगे। आपके भारत निर्वाचन आयोग तक पहुंचनी चाहिए जबरदस्त गठबंधन से। इधर 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 इधर
सर इधर 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 मुंह कर ले सर, इधर मंच की तरफ जी सर। जबरदस्त जबरदस्त ताली होनी चाहिए आप लोगों द्वारा एक जबरदस्त। आप लोग सभी लोग सभी लोगों को उपलब्ध करा दें। आगे आ जाइए मैम, आगे आ जाइए मैडम, मैडम आगे थोड़ा आगे। धन्यवाद। कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया है, अब हमारे अतिथिगण आसन लेंगे। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। जय हिंद। राष्ट्रीय मतदान दिवस हम तो लोगों को जागरूक करने आए हैं। अच्छे चलते हैं चले काका। देखिए आज जो मतदाता जागरूकता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि जो मतदाता हैं उनको जागरूक करना कि वो चुनाव के समय जो मतदान का दिन होता है उस दिन अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें और साथ ही साथ बिना किसी प्रलोभन में आए और बिना किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस के अपने स्वस्थ चित्त का इस्तेमाल कर वोट डालें। ये इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है और अभी कार्यक्रम आयोजित किया गया है, हर बूथ पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, साथ ही तहसील मुख्यालयों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और जिन जिलों ने अच्छा कार्य किया है पूरे अभियान के दौरान जो चला था अभी मतदाता सूची पुनरीक्षण का, उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। देखिए प्रयास यही रहेगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम लिए जाएँ कि लोग अधिक से अधिक जागरूक हों और मतदान का प्रतिशत अधिक हो।